हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव पर। सीएम खट्टर इस वक्त क्या बोल रहे हैं, सुनिए। आज तो आप लोगों ने मान लिया है। हुड्डा जी ने भी अपनी बातचीत में शुरू में ही कह दिया था कि आपका बहुमत तो है ही, आप अपने बहुमत के कारण से अपनी बात रखेंगे, हमको मानना पड़ेगा। बीच बीच में विधायकों ने भी कहा है, हमारे कुंडू जी ने भी कहा है, और भी हमारे मित्रों ने कहा है, शिषपाल जी ने भी ये बात कही कि आज सरकार और विपक्ष के बीच का मामला नहीं है, मामला तो किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। आप प्रस्ताव की भूमिका में भी वो बात लेके आए हैं, उस पर सदन में बातें बहुत हो भी चुकी हैं। हो सकता है कि मैं जब एक एक करके बात कहूँगा तो बहुत सी बातों का रिपीटेशन भी होगा, लेकिन मेरा इतना ही कहना है, क्योंकि रिजल्ट तो आपने बता दिया है, इसलिए होना तो वही है जो आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं। अगर उस आलोचना में आपने आलोचना की, सत्ता पक्ष लोगों ने विरोध किया, सत्ता पक्ष लोगों ने आपकी आलोचना की, आपने विरोध किया, मेरा निवेदन मेरे इस भाषण में इतना ही है कि जो मुझे कहना हो तो कहना ही है। हो सकता है उसमें बहुत बातें आपको पसंद ना आए, क्योंकि स्वाभाविक है, पक्ष विपक्ष है, तो जितना कम टोका टाकी करेंगे उतना मैं अपनी जल्दी बात पूरी कर लूंगा। टोका टाकी ज्यादा करेंगे बात वही होनी है, आपके करने का और मेरे कहने का अर्थ वही निकलना है, अलग अलग नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि मैं अब जब तक बोलूंगा तो आप बीच में ना टोके तो अच्छा रहेगा, कहना मैंने वही है जो कहना है। इसलिए मित्रों, मैं एक और बात इसमें, एक बहुत बड़े कवि हुए हैं बशीर बद्र, उनका मैं एक शेर पढ़ रहा था तो उसमें मुझे लगा कि हाँ वास्तव में ये अच्छा है। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, आलोचना के बारे में कह रहा हूं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं। दुश्मन शब्द वैसा ना ले, एक विरोधी जैसे विपक्ष का होता उतना इसका अर्थ है। तो इसलिए मैं उसमें से आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रकार का करते हैं, तो उसमें से हमको एक ताकत मिलती है। अविश्वास वास्तव में संस्कृति कांग्रेस की पुरानी है कि जब भी कभी कोई बात पसंद ना आए, अच्छी हो माड़ी हो, अविश्वास पैदा कर दो। वैसे तो ये अविश्वास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का खूब देखने को मिलता है। अभी अभी एक मेरे पास समाचार आया है, वो हालांकि यहाँ हमारे हरियाणा का नहीं है, देश के किसी दूसरे कोने का है, क्या चाको पीसी चाको अभी अभी कांग्रेस छोड़ गए हैं, बड़े नेता है, इतना अविश्वास। और इससे पहले जो एक क्रम पिछले दिनों का बना हुआ है उसमें फिर कहीं जीत 23 निकलता है, कहीं कुछ निकलता है, कहीं कुछ निकलता है, एक संस्कृति है कांग्रेस की, और वो अविश्वास बहुत जल्दी प्रकट करते हैं। इसलिए उस अविश्वास के अंदर प्रदेश में चाहे हुड्डा साहब का सुरजेवाला का हो, चाहे बहन शैलजा जी का सुरजेवाला का हो, चाहे वाइस वर्सा हो, ये सब के आपस में अविश्वास, ये सब लोग जानते हैं। हमें तो इतना पता है कि ये अविश्वास की जो कार्यशैली है कांग्रेस की, ये कांग्रेस को लाभ नहीं देने वाली कभी भी, विश्वास ही जो है वो लाभ देगा, चाहे अपने अंदर का हो, चाहे एक दूसरे का प्रति हो। डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में आलोचना करना उचित है, लेकिन उसको इस लेवल तक लेकर के जाना, जैसे आज इस सारी बातचीत में से निकल के आ रहा है कि वो विषय उस आलोचना तक सीमित नहीं है। किसान के प्रति आप लोगों के मन में भी प्रेम है, हमारे मन में भी प्रेम है, किसान हितैषी केवल आप हैं, हम नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी किसान हितैषी हैं। हमने किसानों के साथ बहुत काम किए पिछले 6 साल के अंदर, और एक से एक बढ़कर के किए हैं। मेरे पास एक फरिश्ता है, हालांकि सब लोग बोल चुके हैं, मैं बहुत जल्दी उसको 2 मिनट में सारा एक सूची पढ़ के बताऊंगा मैंने कितने काम हम लोगों ने किए हुए हैं। लेकिन जो अच्छे काम किसान के अलावा भी होते हैं उसमें भी आपको अविश्वास होने लगता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान की बात की, तरह तरह की आलोचना आप लोगों ने की, सारे देश में दुनिया में विषय चल रहा है कि हाँ हमने स्वच्छता को अभियान लिया, आपको अविश्वास होने लगा। हमने जब चुनाव की बात आती है उस समय आपको ईवीएम पर अविश्वास होने लगता है, जहां आप चुनाव हारते हैं वो आपको होता ही है, जहां आप चुनाव जीत गए वहां ईवीएम खराब नहीं है, कितनी बार ये विषय आ गए। जब हमारे वीर सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं
उस समय आपको अविश्वास होने लगता है। कोई अविश्वास के कारण ये स्पष्ट है कि आपको क्यों होता है। हमारे जाबाज एयर स्ट्राइक जब पाकिस्तान में घुस करके उन्होंने मारा तो कांग्रेस के नेताओं ने तरह तरह के प्रश्न खड़े किए कि सबूत मांगो स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई, हुई तब कितने लोग मरे, मरे तो गिने के नहीं गिने। यानी हमारी सेना का मनोबल इसको बिगाड़ने का काम ये आप लोगों ने किया। हमारे अब सैनिक तुरंत अभी चीनी सेना को खदेड़ने के लिए गलवान में उस समय गए तो कांग्रेस के नेताओं का विश्वास होने लगा। ये तथ्य हैं, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं करा के ये को मैं अलग से कह रहा हूं। प्रश्न ये है कि आप लोगों का अविश्वास की बात कर रहा हूं, वो हम कर लेंगे, लेकिन जब ये होता है उस समय तुरंत अविश्वास क्यों जागता है? एक आध बार ऐसा तो कहो, भले विरोधी हैं लेकिन केंद्र प्रदेश की सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, अच्छा काम हो, खुले मन से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये प्रदेश समाज के हित में होता है, देश और प्रदेश के हित की बातों में कभी उस प्रकार की आलोचना फॉर द सेक ऑफ आलोचना ये नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार जब होती है जो करे सो ठीक, लेकिन जब भाजपा की सरकार या किसी और पार्टी की सरकार बन जाए, कांग्रेस व विरोधी होते हैं तो उस समय मांग करने लगते हैं क्या कि मंगल ग्रह के ऊपर प्लॉट मांगेंगे, हम मंगल ग्रह पर प्लॉट दे दो, और प्लॉट नहीं मिले तो हमें अविश्वास। ऐसी ऐसी कल्पनाएं ये करने लगते हैं। जो बात आपकी ठीक हो, उचित हो, मांगेंगे हम करेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो संभव भी नहीं होती, असंभव होती हैं, उसको करके ये वातावरण को जिस प्रकार से लेकर के जाते हैं। और थोड़ी देर में विधानसभा में वोटिंग भी होने वाली है, वोटिंग बहुत अहम है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। साथ ही उत्तराखंड में भी किस तरह से हलचल तेज है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। दोनों बड़ी खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।